नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर की सभी छोटी बड़ी खबरों की। तो आइए आपको दिखाते हैं ये बुलेटिन। सिंधौली से पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुधाकर त्रिपाठी की बेटी की दहेज हत्या की आरोपी सास दीपा अवस्थी को निगोही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि निगोही के छोटी सब्जी मंडी निवासी वंदना अवस्थी की 12 जून को शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। थाना सिंधौली निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुधाकर त्रिपाठी ने अपने दामाद समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बुधवार को पति अतुल अवस्थी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज हमजापुर चौराहे से सास दीपा अवस्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। शाहजहांपुर में लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों वाहन चालकों के चालान काटे और जुर्माना भी वसूला। ट्रैफिक पुलिस ने इमली रोड पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों के चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की। इस दौरान पुलिस चेकिंग को देखकर कई लोग दाएं बाएं होकर निकलते दिखे। कल शाम तिलहर क्षेत्र के ढकिया रगा में पुरानी रंजिश को लेकर अवैध असलाह से लैस होकर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कटरा थाना क्षेत्र के भुरखंडा के मनीष कुमार की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके 3 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दरअसल कल शाम गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद फायरिंग हुई और 3 लोग घायल हो गए। थाना जलालाबाद के 12 पत्थर चौराहे पर राजस्थान से मजदूरी करके लौट रहे परिवार के 1,00,000 रुपए टप्पेबाज ले उड़े। दरअसल चंदीउरा बहादुरपुर की रहने वाली श्यामा देवी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ राजस्थान से काम करके वापस लौट रही थी। लौटते वक्त 12 पत्थर चौराहे पर कुछ लोग महिला के पास आए और मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसका थैला खंगालना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि इसी दौरान थैले में रखे 1,00,000 रुपए लेकर टप्पेबाज फरार हो गए। फिलहाल महिला ने थाने में तहरीर देकर टप्पेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक जिले में 3,34,293 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 2,85,080 लोग पहली डोज और 49,219 लोग दूसरी डोज ले चुके हैं। अभी तक लगाई गई वैक्सीन में 3,10,248 लोगों ने कोविशील्ड और 24,045 लोगों ने कोवैक्सीन की डोज दी है। कुल वैक्सीन लगाने वालों में अब तक 1,69,303 पुरुष और 1,15,688 महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद में कांग्रेसियों के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। आज महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सावित्री शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद में अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। मदनापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरखेड़ा जयपाल में ग्राम प्रधान अर्चना दुबे और ग्राम पंचायत सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। पंचायत सचिव ध्रुव पांडे ने ग्राम प्रधान और सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि सदस्यों का कोरम पूरा ना होने की वजह से प्रधान और सदस्यों की शपथ नहीं हो पाई थी। नगर में अतिक्रमण की समस्या को लेकर बहादुरगंज के तमाम व्यापारी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष किशोर कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा से मिले। नगर आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक नगर आयुक्त अंगद गुप्ता के नेतृत्व में जेई सहित तमाम अधिकारियों के साथ मौके पर भेजकर मौका मुआयना करवाया। सिंधौली के भटपुरा रसूलपुर गांव में नवनिर्वाचित प्रधान ने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ आज शपथ ग्रहण की।
इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रंजीत पटेल ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता और ग्राम पंचायत सदस्य लक्ष्मी गुप्ता, लईक मीना कुमारी, शविनाश सिंह, अनुज मिश्रा, सूरज गुप्ता, प्रभा दीक्षित, अनीता और बबीता गुप्ता को ग्राम पंचायत कार्यालय में शपथ ग्रहण करवाई। नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने भारत के संविधान की शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वहीं ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान बनते ही उन्होंने गांव में स्वच्छता अभियान, हरियाली योजना, लाइट योजना और कन्या शादी अनुदान योजना पहले ही शुरू कर दी थी, जिससे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही बताया कि मनरेगा योजना के तहत चकरोड़ों का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। लाइट योजना के तहत अब तक गांव में 75 लाइट लगाई जा चुकी हैं। वहीं शादी अनुदान योजना के तहत अब तक 3 कन्याओं को 11,000 रुपए दिए जा चुके हैं। ददरौल से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने आज मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत पीड़ित किसानों को चेक बांटे। ये चेक ददरौल ब्लॉक के इकनौरा गांव में हुए अग्निकांड में क्षतिग्रस्त हुई फसल के किसानों को बांटे गए हैं। इस अवसर पर मंडी सचिव प्रवीण कुमार अवस्थी भी उपस्थित रहे। सायाहपुर में 17 जून से 24 जून तक वजन सप्ताह मनाया जा रहा है। जिले के 2914 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी सूची तैयार की जा रही है। माइक्रो प्लान के अनुसार सभी बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई की माप कर बच्चों के कुपोषण का चिन्हांकन किया जा रहा है। साथ ही लाभार्थी को बच्चों का सही डाइट चार्ट के अनुसार पोषण के लिए परामर्श भी दिया जा रहा है। योग एसोसिएशन सायाहपुर के उपाध्यक्ष रूपेश वर्मा ने लोगों से योग के साथ जुड़ने की अपील की है। रूपेश वर्मा ने वीडियो जारी करते हुए अपील की है कि 21 जून को योग महोत्सव के मौके पर सायाहपुर योग वेलनेस सेंटर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण मिशन 24x7 अपने चैनल के माध्यम से दिखाएगा। रूपेश वर्मा ने अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से योग के साथ जुड़ें और अपने घरों पर रहकर योग करें। सादा नमस्ते, मैं रूपेश वर्मा, उपाध्यक्ष योग एसोसिएशन शाहजहाँपुर, क्षेत्रीय कार्य समिति मेंबर भारतीय जनता युवा मोर्चा। मित्रों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हर बार हम सब लोग सामूहिक तौर पर योग करते आ रहे हैं। इस बार कोरोना का संकट हम सभी के जीवन पर आया है, इसलिए सामूहिक तौर पर योग ना कर हम लोग वेबिनार के माध्यम से घर पर रहकर अपने परिवार के साथ योग करेंगे। इसी क्रम में जनपद शाहजहाँपुर में योग वेलनेस सेंटर के द्वारा एक योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको न्यूज़ मिशन 24x7 चैनल के माध्यम से आयोजित होगा। साथ ही साथ मेरे मित्रों, योग के प्रति हमारे जनपद शाहजहाँपुर के योग प्रशिक्षक आदरणीय मृदुल गुप्ता जी हैं, जो योग के प्रति जनपद शाहजहाँपुर वासियों को लगातार प्रेरित करते आ रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग करना चाहिए। योग हम सभी लोग यदि अपनाएंगे तो कोरोना का संकट भी बहुत कम होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है मेरा, आप सब लोग इस कोरोना काल में घर पर रहकर अपने परिवार के साथ जरूर जरूर योग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।